उनकी नजर में तो छोटा है ना, मेरी नजर में तो बड़ा हो गया है। मेकअप कर गया, डल सा लग रहा है ना, कर लेती स्मार्ट हो गया। अरे आ गए, अभी तक आप घूम रहे थे। अरे मेरी प्यारी भाभी, बस नोटिया बाजी कर रहा था, कुछ नहीं। क्या हो रहा है? बस तू यही करता रहे, कुछ पढ़ लिख के कुछ काम कर, कुछ काम धंधे पे लग। तेरे भैया कल रात को चिल्ला रहे थे। क्या बोल रहा था? क्या बोलेगा क्या? सर पता खोल के बताना क्या बोल रहा है। यही बोल रहे थे, एक नंबर का निठल्ला गधा उल्लू है मेरा भाई, कुछ नहीं करता, काम चोर है। अरे मेरी प्यारी भाभी, तुम्हारा बच्चा घर पता है, मेरा शयाना हो गया, लेकिन फिर भी बाहर के लिए तो बच्चा ही है। उनकी नजर में तो छोटा है ना, मेरी नजर में तो बड़ा हो गया है। आपको याद है ना, इससे पहले भी जब भैया नहीं थे, उन्होंने कितना प्यार किया था। अब बार बार याद दिलाना जरूरी है, अब वो तो नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई तो संभालेगा ना मुझे। बिल्कुल, तेरा दिल रहा है ना संभालने के लिए। अब भैया के बाद तो तुम्हारे मन में रहता है ना। तो बस भैया गए कहाँ हैं? भैया तो मारे गए हैं अपने। ओह माय गॉड, नवाबों के शहर में चले गए। अब नवाब भी तो है, आखिर पति किसके हैं? तो सब लड़कियाँ क्यों बैठती हैं? एक्चुअली मैं वो सोचती हूँ यार, इस लंबे का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई फाई है, यू नो। मैं दिखता हूँ कुछ मतलब लेडी लंच रोमी टाइप का, लेकिन हूँ मैं बहुत नामी टाइप का। नहीं ये तो बड़ा क्यूट है मेरा देवर है, वो गधी है जो ऐसा समझती है, समझा? तू तो मेरा एक अच्छा सा इकलौता सा देवर है। हाँ मेरी प्यारी भाभी, आपने सही बोला। अब छोड़ भाभी भाभी, इसे तो समझना चाहिए ना। भाभी जब मैं आपको देखता हूँ तो हमारी सारी सारा दिमाग क्या हो जाता, पता नहीं कहाँ चलता है। अरे यार इसकी क्या मतलब होता है, पता है तुझे पढ़ना चाहिए, अभी तेरी खेलने कूदने के दिन है। तो ये खेल कूद तो खिलवा तो बता दे यहाँ पे, अब कैसा खेल कूद ही बता तू, कोई बता। ये तो सुन, ये कभी कभी चलता है, और पढ़ाई नहीं करेगा, कोई अच्छा ऑफिसर बनेगा तो तेरे भैया का नाम होगा ना, तेरा भी नाम होगा, सारी लिखकर लाइन पे आ जाएंगे। जैसे सुन, जैसे तेरे भैया के लाइन में मैं आई ना, उनकी लाइन से मैं आ गई ना, मेरी जान बॉलीवुड का एक सुपरस्टार बन सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेंटेलिटी और स्टैंडर्ड संभालना पड़ता है ना।